घोटाले से जुड़ी प्रतियां ली गई हैं। पूरे मामले में बड़ा एक्शन ले सकती है ईडी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, तो इस पूरे प्रकरण में आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में प्रवर्तन निदेशालय। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, उत्तराखंड भर्ती घोटाले को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही। तो आरोपियों पर अब शिकंजा कसने की चौतरफा तैयारी ईडी की तरफ से। पुलिस से भर्ती घोटाले से जुड़ी प्रतियां भी यहां पर ले ली गई। तो आने वाले समय में बड़ा एक्शन जो है वो ईडी की तरफ से इस संदर्भ में देखने को मिल सकता है, क्योंकि पुलिस से भर्ती घोटाले से जुड़ी प्रतियां भी यहां पर ली गई है, जिसमें तमाम जानकारी को जुटाने की कोशिश ईडी की तरफ से, और उसके बाद आरोपियों पर पूरे मामले पर बड़ा एक्शन जो है वो ईडी जल्द ले सकती है। तो आरोपियों पर शिकंजा कसने की कवायद में ईडी की टीम जो है वो जुट चुकी है। तो उत्तराखंड भर्ती घोटाले को लेकर ये बड़ी खबर आपको न्यूज स्टेट पर हम दे रहे हैं। तो पूरे मामले पर बड़ा एक्शन, आरोपियों पर अब शिकंजा कसते हुए लिया जा सकता है। और अब लक्सर से बड़ी खबर है, जहां अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। प्रशासन की कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप। कई मशीन, डंपर, ट्रैक्टर प्रशासन ने जब्त किए हैं। सोलानी नदी में अवैध खनन की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, धड़ल्ले से अवैध खनन का यहां पर कार्य चल रहा था, जिसके बाद ये खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। प्रशासन की कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सोनाली नदी के किनारे काफी दिनों से शिकायत आ रही थी कि वहां पर कुछ खनन माफिए रात को काम कर रहे हैं। पुख्ता सूचना पर कल रात एक छापामारी का कार्रवाई की गई, जिसमें वहां पर मौके पर एक जेसीबी और 9 ट्रैक्टर पकड़े गए, और इसके अतिरिक्त एक डंपर अतिरिक्त पकड़ा गया। कुल मिलाकर के 11 वाहन कल रात को अवैध खनन और परिवहन में पकड़े गए। उनके विरुद्ध नियमानुसार रिपोर्ट बना करके जिलाधिकारी महोदय को आवश्यक कार्य प्रेषित किया गया। और इस बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर, 48 घंटे